हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विद सिंपल लाइफ। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सो आज आप लोग को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि मैं आज अपने चैनल पे क्या करने वाली हूँ। तो यस, मैं आज करूँगी कटिंग, हेयर कटिंग। और ये कोई व्लॉग नहीं है, छोटी सी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं अभी जा रही थी हेयर कट करने, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। और क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ में शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। सो यहाँ पे क्या है कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने देख रहे हैं आप देख सकते हो हेयर कटिंग नहीं करवाई है, बहुत टाइम हो गया है। तो अभी मुझे ये तो नहीं कट करना है, बस मुझे आगे से, और जो मैंने आगे से तो मैंने ये फ्रंट से तो मैंने पता नहीं कब कटिंग की थी, मुझे नहीं पता। और बाल भी आजकल बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं पता है, झड़ रहे हैं। तो सोच रही हूँ कि चलो आगे से कुछ लुक चेंज किया जाए, क्योंकि हेयर कटिंग का और हेयर स्टाइल का आपके फेस पे बहुत बहुत ज़्यादा असर दिखता है। अगर आप हेयर स्टाइल अच्छी करते हो तो आपका लुक ऑटोमेटिक बहुत अच्छा लगता है, कटिंग वगैरह करते हो भी आपका फेस बहुत अच्छा लगता है ना। और मुझे तो वैसे भी हेयर कटिंग कराने की आदत है, और अभी पता नहीं कैसे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं ये बाल फ्रंट से, और इतने बड़े बाल मैं नहीं रखती, मुझे आगे से एकदम होते ना बैंग्स कटिंग हो गई, चाहे फ्लेक्स हो गई, चाहे लेयर, मैं कटिंग करती रहती हूँ। तो बस यही है। और आज मैं क्या कटिंग करने जा रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो मैं जा रही हूँ आगे से बैंग्स कटिंग करूँगी, और देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सीजर चाहिए, मैंने सीजर ले ली है। और उसके बाद ये मेरी कॉम। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मिडिल पार्टीशन करूँगी मैं बाल का। अगर आप बैंग्स कटिंग करते हो ना, तो सबसे पहले आप अपना मिडिल पार्टीशन करो, बहुत ही इजी है। बहुत ही इजी है, आप घर पे आराम से कर सकते हो। मुझे बहुत पसंद है ये कटिंग, बहुत ज्यादा मेरी फेवरेट है। तो इस तरह से बिल्कुल बीच की मांग निकाल लो आप, मैं भी देखती हूँ, बिल्कुल सिंपल है, बीच की ही मांग है। आप लोग भी देख सकते हो बाल बिल्कुल, पार्टीशन मैंने बिल्कुल सही किया है। और आप अपने घर पे भी अच्छे से कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिडिल पार्टीशन करने के बाद चेक कर लो है कि नहीं मिडिल में, है ना, मिडिल है। तो वो यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाली हूँ, आप ना कभी भी स्टार्टिंग में ढेर सारे बाल मत लो, बाद में आप बाल और भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले ही ज़्यादा बाल ले लिए ना, तो फिर जैसे आप फर्स्ट टाइम कट कर रहे हो ना, तो इससे क्या होता है, अगर गड़बड़ हो गई आपसे तो फिर आप क्या करोगे। तो इसीलिए थोड़े थोड़े बाल लीजिए, इकट्ठे नहीं लेने हैं। देख रहे हो मैंने इतने ले रखे हैं, मुझे इतने ही कटिंग करने बाल। अगर आप चाहो तो बाद में फिर यहाँ से ऐसे करके और भी ले सकते हो। अभी मैं यहाँ से इस तरह से, आप देख रहे हो ये देखो बिल्कुल बराबर ले लिया है मैंने। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है तो आप और भी ले सकते हो, कम ज़्यादा अपने आपके हाथ में, कम ज़्यादा, ठीक है। ये हुआ तो ये कटिंग तो मैं करती रहती हूँ, और इसलिए मुझे कुछ बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत टाइम की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा एक होता है ना। और इसको बहुत अच्छे से ट्विस्ट कर लीजिए आप, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये छोटे छोटे पहले से हैं तो कोई नहीं, तो कटिंग में आ जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आपको कितना कट करना है, ठीक है, बाद में फिर कर लेना।
इकट्ठे भी मतलब कैची नहीं चलानी है, आप एक बार में इतना काट दो कि फिर बढ़ा नहीं सकते ना आप, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके कट करिए जिससे कि आप बाद में बढ़ा सको बालों को। ये मेरी सीजर, तो इतना तो मैं ये देखिए इतना मैंने कट किया, लेंथ है बालों की, आपको एक बार में नहीं कट करना है। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा और भी कट करने वाली हूँ। ट्विस्ट करेंगे एक बार और, ये देखिए थोड़ा सही रहेगा। मैं भी देख लूँ, बाल से बहुत प्यार होता है ना, सो ये देखो ये ठीक है। और इसको मैं हमारे बाल ऐसे कट चुके हैं, तो अभी हमको क्या करना है, नीचे थोड़ा यहाँ से ऐसे ऐसे करना है, और क्योंकि अभी काफी टाइम के बाद मैंने बीच की मांग निकाली ना मिडिल, तो ऐसे नहीं हो रहा, फिर भी नॉट बैड, अच्छा लग रहा है। मैं इसको और भी सही करने वाली हूँ, इसको मैं जो मैंने कट किया है इसको मैं भी और भी सही करूंगी। देख सकते हैं आप लोग, मैं इसे भी निकाल लूंगी और इसे भी इसके बराबर ही करना है। मुझे थोड़ा सा और छोटे चाहिए, तो अब बस तो मैं छोटे करेंगे।
मैं भी आपको दिखाती हूँ अपना लुक, ये लुक मैंने कैसे किया। और ये जो मैंने अपने बैंग्स काटे हैं तो ये फ्रंट बैंग्स कैसे लग रहे हैं, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। फ्लेक्स, आप फ्लेक्स भी बोल सकते हो, बैंग्स भी बोल सकते हो, देखना भी मैंने कैसे कट किए। चलो सो गाइस, यहाँ पे देखो मेरी कटिंग, और इससे पहले मेरे कैसे थे बाल और अभी मेरे कैसे लग रहे हैं बताइए आप लोग। कैसी कटिंग करी मैंने, मुझे बहुत अच्छी लग रहा है, मुझे बहुत अच्छी लग रही कटिंग। सिंपल सी है, मैं घर पर ही अपने ही कॉम से और अपने ही सीजर से बाल कटिंग। यहाँ पे देख लो आप लोग, कुछ आपको लग रहा होगा ना फेस में कुछ अच्छा सा लुक लगता है ना कटिंग होने के बाद। और कटिंग कभी भी आप कराते हो ना सो या करते हो तो क्या होता है, ये एक दिन बाद जाके सेट हो जाता है। सवेरे अभी अभी रिसेंट मैंने कट किया ना तो बाल सेट नहीं हो रहे, बट जब आप मैं इसको कल देखूंगी ना तो कल ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो चुके होंगे। और ये देखो मैंने अभी अभी कटिंग ली है, देखिए और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा न्यू लुक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे ही रहने की आदत है, कटिंग वगैरह लेने की आदत है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो कभी मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ और कभी मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ। देखो ज़्यादातर क्या है, मैं मिडिल की जो पार्टीशन मैं कम करती हूँ, मैं साइड से ज़्यादा करती हूँ, इसीलिए मेरे पास साइड से ज़्यादा सेट है। देखिए आप परफेक्ट है, ये तो बाल कटिंग मैंने लिए नहीं, ये देखिए परफेक्ट। चाहे इधर से करो चाहे आप इस तरफ से भी करोगे ना, तो इस तरफ से भी बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं। इस तरफ से भी मैं ज़्यादा पार्टीशन करती नहीं हूँ तो इस वजह से हो रहे हैं। ये देखिए बट मैं इसको ज़्यादातर ऐसे ही करने वाली अभी फ़िलहाल में। सो ये है मेरी हेयर कटिंग, और आई होप आपको पसंद आई होगी तो लाइक छाप देना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक छापना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। सो यहाँ पे आप बताना ज़रूर कि मेरी कटिंग कैसी हुई है, जो मैंने फ्लेक्स काटा है, बैंग्स भी बोल सकते हो, जो मैंने ये कट किया है ये कैसा हुआ है ज़रूर बताना। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने 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 अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, और अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय।